आप देख रहे हैं, आज मैं भिवंडी के उस इलाके में खड़ा हूं जहां पे ये धमन्ना का इलाका है। दिखाएंगे, ये मजदूर लोग हैं और सुबह सुबह ये लोग मजदूरी करने के लिए शहर में निकलते हैं ताकि इन्हें कुछ कमाई हो जाए, अपने परिवारों को चला सके। आज हम कुछ लोगों से बात करने के लिए आए हैं। इससे पहले हमने शांति नगर की और बाकी शहरों की वीडियो आप तक दिखाया है, मगर आज दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिल जाए। सर जी, आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मैं तो भिवंडी में रहता हूँ। भिवंडी में रहते हो, यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं आप? कितने दिनों से रह रहे हैं? तो 40-50 साल हो गया। 50 सालों से भिवंडी में आप रह रहे हैं, तो भिवंडी का डेवलपमेंट जो है नेताओं के जरिए, वो कैसा है बाकी और शहरों से? पहले तो अच्छा था, मगर अभी तो कुछ जरा डाउन ही पोजीशन काम धंधे का भी। काम तो इतना नहीं चल रहा है। मेरा कहने का मतलब, जो शहर का विकास है अभी, जैसे आप देखेंगे कल्याण, अंबरनाथ, डोंबली, ये सब शहर का ऐसा विकास किया, उस तरह से हमारे भिवंडी 40-50 सालों में कैसा विकास हुआ? विकास तो अच्छा है। ये ब्रिज बन रहा है, मतलब अभी ये बुलेट ट्रेन आ रही है, ये क्या बोलते हैं इसका, रास्ते वगैरह। हाँ, रास्ते तो अच्छे बन रहे हैं। अभी विकास तो हो रहा है, मजदूर लोग की बहुत तकलीफ है इधर, काम धंधा तो नहीं चल रहा है। बाकी विकास तो हो रहा है, रोड बन रहे हैं, सब रोड बन रहा है, विकास तो हो रहा है। मगर अभी आप ये देख सकते हैं, इधर भीड़ एक बार फिर से दिखा दी जाए, ये जो भीड़ है, ये काम करने के लिए लोग आए हुए हैं और यहाँ पे आके जमा होते हैं। अगर इनको काम मिलता है तो काम पे जाते हैं, वरना वापिस घर पे जाते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर परिवार चलाना है तो आदमी को नहीं, अगर कम से कम आदमी अगर कमाएगा, 500 रुपए कमाएगा तो 2-4 बच्चों को खिला सकता है, पढ़ा नहीं सकता। क्योंकि आज तक जो नौकरियां हैं, अगर कोई अच्छे से पढ़ाना चाहे, खिलाना चाहे, तो 500 में कोई काम नहीं हो सकता। और ज्यादातर लोग जो भिवंडी के हैं, उनकी सैलरी 10-15 ही हजार महीना होती है, जिसमें आजकल बीमारी तो हर घरों में है, कोई ना कोई बीमार रहता है। हम जानेंगे कुछ लोग से कि सर आप यहीं पर रहने वाले हो, क्या काम करते हो? मिस्त्री का काम करते हो। अगर यहाँ पे आप आए हो तो क्या आपको काम मिल जाता है डेली की? नहीं मिलता है, कभी 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 मिलता है, और जब नहीं मिलता है तो घर पे वापस जाते हो। मगर परिवार का गुजारा कैसे, आप क्या करेंगे, वैसे ही खाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। मगर जब काम मिल जाता होगा तो अच्छी चलती होगी लाइफ, और काम नहीं मिलता होगा तो परेशानियों का सवाल। तो ये जो मजदूर हैं, ये डेली यहाँ पे ऐसे ही जमा होते हैं? जमा होते हैं, मिलेगा तो काम करते, नहीं तो अपना अपना घर। लॉकडाउन से था, ऐसे ही चल। तो आप इधर महाराष्ट्र के हैं? महाराष्ट्र के। कहना है कि अगर ये काम मिलता है तो काम पे जाते हैं, अगर काम नहीं मिलता तो घर को वापस जाते हैं। देखते हैं और लोग से जानेंगे कि क्या चल रहा है और इनको क्या। आइए मेरे साथ। नमस्कार, कैसे हो? ठीक है। तो अभी काम धाम पे लगे हो, इधर आए हो काम के लिए? हाँ। काम अभी नहीं मिला है? नहीं, काम मिलेगा तो जाएंगे। तो कैसा, आप डेली अगर आते हो तो काम मिल ही जाता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो परिवार का गुजारा कैसे करते हैं आप? परिवार का गुजारा क्या करेंगे सर? देखो काम कैसा है ना, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो सीधा घर। अब जैसे आज काम मांग के करना पड़ेगा, परिवार का गुजारा भी। मैं क्या बोलूं, ये सरकार जो है क्या चाहती है, कैसे आप लोग का, अगर आप लोग की नजर कैसे? हमारे बात मत सुनो, सरकार ने तो पूरा वाट लगा दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, कुछ आपकी अगर? सरकार को देखना चाहिए ना, आदमी को पहले 400-500 रुपए में गैस मिलता था, छोड़ रहा है भैंस, कुछ काम ही नहीं का, पूरा रोड भंगा रहा है, तो रोड तो बनाया गया, रोड भी नहीं है सही। और सरकार जो करता है ना, वो सब गलत कर रहा है। क्या है, आदमी को 500-600 रुपए में गैस मिलता था, अभी 1100 रुपए। इतना रोड है भेंजो, काम कर जा नहीं पाएगा तुमने, इतना बड़े बड़े खड्डा है। क्या सरकार भेंजो कुछ काम किया क्या? लोग तो बोलते हैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं, यहाँ पे आना कुछ भी नहीं किया है, लोग खाने के लिए मोहताज मुंह दिया है। कैसा अभी ये, अगर आप लोग को काम मिला तो काम पे जाएंगे, नहीं तो घर में वापस जाएंगे ना, भूखे मर रहे हैं हम लोग। रोड आज कुछ भी बना नहीं है, रोड भी बनाई नहीं है, जाके देखो इतना भंगा रोड है पूरा, खामत घर का रोड पर इतना बड़े बड़े है ना खड्डा है, कितना डंपर तो ना गिर के पड़ते सड़ते।
साला इतना हालत खराब है रोड का, गवर्नमेंट को बोलो खाली चूतिया बनाने का काम करते और कुछ भी नहीं। आप क्या काम, क्या काम करते हैं? अभी मैं तो बहुत कुछ काम करूंगा। आपके पास हुनर नहीं है? नहीं है। बोलिए सर, क्या बोलना चाहेंगे कुछ आप? रोजी रोजगार सर कुछ है नहीं, बेचारे नाके पे आते हैं, 500-600-800-700 पाते हैं, अगर कभी नहीं मिला तो घर पे वापस चले जाते हैं। ना रोजी है, ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना कुछ है, कोई व्यवस्था सही नहीं है। बेचारे आते कहाँ पे, महंगाई इतना है कि हद से ज्यादा है। सरकार से क्या कहना, सरकार यही नौकरी दे सबको, रोजगार दे, कुछ व्यवस्था दे, सहारा दे, बस यही कह सकते हम लोग मजदूर आदमी, और क्या कह सकते हैं। अभी जितने बेचारे खड़े हैं नाके पे सब रोजी रोजगार के लिए आते हैं, लेकिन अगर अगर इनको काम मिला तो काम पे जाएंगे, नहीं तो घर को वापस जाएंगे। घर पे जाएंगे और जो बचा कुचा रहता है 150 वो भी लड़के बच्चे पे खपा देते हैं, खत्म हो जाता है, बाकी बेचारे कहाँ से लाएंगे। यही सब रहता है नाके पे, सब वही से बेचारे, जितने कड़िया वाले, पेंटर वाले, कारपेंटर, जितने सब। अभी इतनी पब्लिक खड़ी, इसमें से ज्यादा ज्यादा 10-15 लोग गए तो गए, वो भी कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं बेचारे सब गए घर पे। अभी अगर वो काम पे जाते हैं तो उनको क्या पगार मिलती है? ना कहीं सर क्या पगार मिलता है, ज्यादा ज्यादा 600-700 बस, इससे ऊपर नहीं मिलता है। 300 कभी, 300 कभी, 600 कभी, 500 बस, इससे ऊपर सर कोई नहीं देता है पगार। और दिन भर मेहनत करना पड़ता है, कड़िया वाले भी दिन भर रगड़ते रहते हैं, थापी चलाते रहते हैं, पेंटर ब्रश चलाते रहता है, तब जाके कभी 500 कभी 600 बहुत ज्यादा हद से ज्यादा। मगर ये मैंने सुना अभी लोग ने बोला कि ये फिक्स रोजगार नहीं है। नहीं, नहीं आते हैं, अगर आज काम मिल गया तो कल नहीं मिलेगा। फिक्स नहीं है, सुबह 6 बजे बेचारे सुबह 6 बजे उठते हैं। चालू काम आज बंद है, चालू काम किया आज बंद है, रुको गए सब वाला सर के, ऐसा बात है। आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अभी मैं बताऊं, ये जो ये भीड़ है ये कितने दिनों से यहाँ पे आ रही है? पहले कोरोना वायरस से पहले भीड़ थी कि अभी जल्दी से? नहीं नहीं नहीं, पहले से है, पहले साल। नाका है ना, 45 साल से नाका। अभी मैंने देखा वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि कोरोना वायरस से पहले इतना नहीं जाते थे, थोड़े मोड़े आते थे, मगर अभी जब से कोरोना वायरस आया है लोग के हालात खराब हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ गए कुछ इधर गए ना, अभी उसके लिए क्या है? ये जो जमावड़ा है मजदूरों का, ये कैसा है? बताता हूँ, पहला माता वहाँ पे, इससे पहले रोड बनने से पहले वो साइड में था, पहले उधर जगत नाका था, फिर वो इधर इधर होने के बाद ये तेलुगु नाका था, तेलुगु सब गए, अब ये सबका हो गया ये नाका सब। नहीं तो पहला मिस्त्री का नाका हो, भिगारी का नाका, भाई लोग का नाका हो, आप सब अब भाई लोग आए हुए जगह पे, कई भाई लोग इधर है भाई, तो ये पहले का ही नाका है, ऐसा है, 40 साल हो गए। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि परिवार का पाले कि इधर का पाले, अपना पेट पालते हैं तो परिवार का रह जाता है, एक दिन मिलता है रोजी, दूसरे दिन नहीं मिलता। नहीं, नहीं, तो एक आदमी का अगर वो सुबह निकलता है तो उसका 300-400 रुपया यूं ही खर्चा हो जाएगा। हाँ, तो अगर वो 500 रुपया कमाएगा तो परिवार क्या चलाएगा आपका? कहने हाँ, कहने का मतलब मेरा वही है। तो कैसे अभी ये देखो इतने भाई लोग हैं, न जाने कितने लोग होंगे जो 500 रुपए भी नहीं कमा पाते होंगे, घर जा रहे हैं, लोगों ने कहा है। पहली बात है सब हर चीज में ठेकेदारी हो गया, अगर ठेकेदार भी चाहिए, वो भी मेहनत करता साथ में, तो उसको परवरता क्या है? जो मिलता है 200-300 में जो जाता है, नहीं रहता है, 4 दिन बैठता है तो अपना जाता है मजबूरी में कि चलो जो भी मिल जाए आज, इसके वजह से अपने को तो बराबर मिलता है नहीं कि चलो हाँ बराबर काम मिले, रोजी रोजगार मिले बराबर। अगर बराबर रोजी रोजगार रहता तो यहाँ काहे को आदमी एक दिन काहे करता है, एक दिन करके 4 दिन बैठना काहे को, मजबूरी है ना, मजबूरी में आदमी जाता करता है। देखो जैसे ये लड़का है ना, अब ये क्या करेगा मालूम है? दिन भर बैठे रहेगा, खाना कहाँ से खाएगा? रहने के लिए तो घर है नहीं, खाना कहाँ से खाएगा? तो आप सरकार से क्या चाहते? सुनो ना, ये क्या व्यवस्था है यहाँ पे? एक आता है हरे रामा हरे कृष्णा, सरकार से हाँ, खाने, का आए, खाने के लिए खिचड़ी देता है तो इन लोग का चलता है। जैसे काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वही खा के जीते। यूपी बिहार में कंपनी देते तो यूपी बिहार से झक मारने के लिए भैया बिहारी आते काम करने, कंपनी देते ही नहीं है तो काम यही आएंगे ना करने। 400-500 रुपया मिलता है, एक दिन लगेगा एक दिन नहीं लगेगा, मतलब क्या है? नहीं नहीं, कहीं भी स्टेट में जाए, कहीं भी स्टेट में जाए उससे मतलब नहीं है, कहीं भी स्टेट में हर आदमी को जहाँ जाए। सरकार से क्या? सरकार से यही शिकायत है कि कहीं रोजी लाए, कंपनियां लाए, कोई अच्छा कारोबार मिले, उसकी पगार पानी बढ़े, कोई भी लाइन में जाए उसका पगार पानी बढ़ना चाहिए।
कि परिवार को भी चलाए अपना भी चलाए। जब रोजी मिलेगा ही नहीं तो मतलब नहीं, एक आदमी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, पूरे देश के ऊपर। सरकार से सर यही कहना है कि जितने हमारे भाई है मजदूर भाई, एक लिस्ट बनाई जाए और इनको सहायता दी जाए और कुछ मुनाफा ऐसा की जाए सरकार की तरफ से कि सबका बाल बच्चे लड़के बच्चे रोजी रोजगार अच्छे से चले और सहारा दी जाए सरकार की तरफ से पूरे मजदूर का, कड़िया वाला हो, पलस्तर वाला हो, पेंटर हो, गरीब से गरीब हो। हम लोग 6 बजे सुबह उठते हैं और धान लगा पे आ जाते हैं, मिलता है तो जाते हैं, नहीं मिलता है तो जो बचता है 100-200 वो भी लड़के बच्चे में खत्म हो जाता है। सबके सब बेचारे यहाँ पे वैसे ही है, नाके पे मिला तो गए, नहीं मिला तो कुछ नहीं, और जो बचा वो भी बराबर हो गया, इसी का सहारा है सर, बस और कोई सहारा नहीं यहाँ पे। तो एक लिस्ट बनाई जाए पूरे मजदूरों लोग का, सरकार की तरफ से सहारा मिले, पैसा मिले, अरे कुछ तो पैसा मिले, कुछ सहारा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ना नौकरी तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, बस यही ना का सहारा है। हर मजदूर जितने भाई मेरे खड़े हैं सबका यही सहारा है। अभी शौक से थोड़ी आते हैं, 6 बजे 7 बजे आके बेचारे खड़े हो जाते, 12 बजे तक खड़े रहते। कोई बंदा कोई सेठ आएगा इंतजार में कि लेके जाएगा काम के लिए, लेकिन कोई आया तो 10 लोग 20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अभी एक ही दो को ले जाएगा, कितने लोग को लेके जाएगा भाई सामने वाला। बस यही के पास काम भी तो होना चाहिए, काम भी होना चाहिए सर, एकदम राइट बात की आप। जैसा आपको पता होगा कि ये धवन्ना का इलाका है, भिवंडी का मेन, भिवंडी का मेन पॉइंट है, और यहाँ पे मजदूरों का सुबह 7 बजे से 6 बजे से मजदूर आना चालू हो जाते हैं और यहाँ पे जमा होते हैं। अगर उनको कोई सेठ या कोई बिल्डिंग डिपार्टमेंट का कोई आदमी आता है या जिनके पास काम करवाने का है, वो आता है यहाँ से मजदूरों को लेके जाता है और उनको 1 या 2 दिन काम कराने के बाद फिर से उनकी छुट्टी कर देता है। मजदूर यहाँ पे आके फिर से जमा होते हैं और वो काम की तलाश में यहाँ पे आते हैं। अगर काम उनको मिलता है तो काम पे जाते हैं, नहीं तो वरना घर वापिस जाते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि ये मजदूर भिवंडी के ही है और भिवंडी के मेन जंक्शन पे जमा होते हैं। अब ये परिवार कैसे चलाए अगर इनके पास कोई रोजगार नहीं है, अगर इनको काम नहीं मिलता है तो ये घर पे जाते हैं। अब एक परिवार को चलाने के लिए नहीं नहीं तो कम से कम उसको 500 रुपए की डेली जरूरत है। अगर वो 500 नहीं कमाएगा तो उसका विकास नहीं हो सकता। कीजिए शेयर, आप देख रहे हैं News24 फेसबुक पे और यूट्यूब स्पीड स्टार भिवंडी। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ताकि हम जल्द आपको अगला वीडियो दिखाएंगे। देखते रहिए इस पे।